सिर्फ हर एक मौत को, हर एक आत्महत्या को दहेज उत्पीड़न से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन सब बातों को करने के साथ साथ अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी पत्नी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के सदस्य यानी कि उस पत्नी के मायके वाले सबसे पहले 498A का सहारा लिया करते हैं और बहुत बार झूठा फसाया भी करते हैं, जबकि उनके पास किसी तरह का कोई गवाही नहीं होती है। ठीक इसी तरह का एक केस पहुंचता है हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता में। आइए देखते और समझते हैं कि इस केस में क्या हुआ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का अपना स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने ये जो जजमेंट पारित किया है 10 मई 2024 को, इसमें एक टिप्पणी करते हुए कहा है कि सेक्शन 498A आईपीसी का दुरुपयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है, यानी कि बहुतायत में हो रहा है। और ये पहली जजमेंट नहीं है, इसी तरह की बहुत सारी जजमेंट्स आ चुकी हैं। मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A आईपीसी वाइड स्प्रेड, कमीशन ऑफ सुसाइड अलोन नॉट एनफ टू इनवोक प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 113A एविडेंस एक्ट। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देते हुए हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने बहुत ही खूबसूरत सा एक जजमेंट पास किया है। आइए समझते हैं कि क्या था ये केस। सबसे पहले टाइटल जान लेते हैं। इस केस का टाइटल है गौतम डे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और ये जो अपील आई थी हाईकोर्ट ऑफ कलकत्ता के सामने, ये आई थी इम्प्यून्ड जजमेंट डेटेड 26/3/2009 और ऑर्डर ऑफ सेंटेंस 27/3/2009 एडिशनल सेशन जज के द्वारा। होता क्या है, इस जजमेंट में कन्विक्शन कर दिया जाता है, यानी कि उसको दोषी ठहराया जाता है पति को 498A 304B 306 आईपीसी के अंतर्गत, और इसमें इनको कड़ी सजा और फाइन भी दिया जाता है। ये पहले फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि आखिरकार मामला क्या था। ये जो एप्लीकेंट हैं, जो अपील लेकर के पहुंचे हैं हाईकोर्ट ऑफ कलकत्ता में, वो और विक्टिम इन दोनों की शादी होती है 8 अगस्त 2001 को। यहाँ पर कुछ डाउरी की बातें की जाती हैं कि इतना इतना पैसा डाउरी में दिया गया, इतना पैसा शादी में लगाया गया, और उसके बाद एक बच्ची का जन्म होता है। और फिर ये बताया जाता है कि जब तक ये जो विक्टिम है उनके पिता की जब तक मृत्यु नहीं हुई थी तब तक इनकी माता ने दहेज जब भी मांगा गया इनके ससुराल से उन्होंने पूरा किया उनकी मांगों को। लेकिन अब क्योंकि इस विक्टिम के फादर की डेथ हो चुकी थी तो उसकी मदर उन मांगों को पूरा नहीं कर सकी हैं। ये मैं स्टोरी बता रही हूं आपको जो कि विक्टिम की मां ने FIR लॉन्च की थी। आगे विक्टिम की मां लिखती हैं कि 3 अक्टूबर 2007 को इनको एक फोन आता है और उस फोन में कहा जाता है कि जो इनकी बिटिया है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये पहुंचती हैं हॉस्पिटल में तो वहां पर इनको पता चलता है कि इनकी बिटिया यानी जो विक्टिम है इस FIR में उनकी मृत्यु हो चुकी है। FIR में आगे लिखती हैं कि ये 3 अक्टूबर 2007 को ही उनकी डेथ हो गई थी और ये सुसाइड हुआ है, यानी कि उसकी बेटी ने आत्महत्या की है, उसको बहुत ज्यादा से टॉर्चर किया गया था, परेशान किया गया था, ऐसा ये FIR में लिखती हैं। और साथ ही वो ये भी लिखती हैं इस FIR में कि एक सुसाइड नोट भी इनकी बेटी ने छोड़ा था जो कि छुपाया जा रहा है, उनके सामने नहीं आ रहा है। और वो आगे ये भी कहती हैं कि इनकी बेटी की सुसाइड नहीं हुआ है बल्कि पहले उसका मर्डर हुआ है और उसके बाद उसको टांगा गया है और इसको सुसाइड का एक शक्ल दी गई है। और इन सब कंप्लेंट पर, इस विक्टिम की मां की कंप्लेंट पर एक FIR लॉन्च कर ली जाती है 498A 306 आईपीसी के तहत। और इस पूरी FIR में इस पत्नी की मां के द्वारा जो ये दर्ज की गई शिकायत पर ये FIR लॉन्च हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जोर दिया गया था कि
इसकी बेटी का पति गौतम डे और उसका परिवार लगातार उनकी बेटी को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न दे रहा था। ये जो बेटी है इनकी, ये सिंगल डॉटर है, शादी जो हुई थी 8 अगस्त 2001 को, तब से लेकर के और उसके साथ विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए गए, ऐसा कहना है इस एफआईआर में जो दर्ज की गई है इस विक्टिम की माता जी के शिकायत पर। और 3 अक्टूबर 2007 को आत्महत्या कर ली जाती है। फिर वहीं पर वो फिर दोबारा से इन सभी बातों को कहती हैं कि वो कैसे वो उनकी मांगों को पूरा कर रही थी इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और 498A पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, 304B दहेज मृत्यु, 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, 113 आईपीसी के तहत उत्पीड़न इत्यादि दिखाई थी। और क्योंकि यहाँ 7 सालों के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है विक्टिम की, तो क्रूरता दिखाते हुए एक एफआईआर लॉन्च हो जाती है। यहाँ पर 12 गवाह पेश किए जाते हैं। माँ और भाई कहते हैं कि जो पीड़िता है उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, जबकि और जो अन्य गवाह थे, पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने उनकी यानी कि माँ की और भाई की बातों का ज्यादा समर्थन नहीं किया, प्रताड़ना की कोई घटना नहीं बताई इतने सारे बातों में। और फिर भी एडिशनल सेशन जज के द्वारा कन्विक्शन हो जाता है इस गौतम डे को 498, 304B, 306 आईपीसी के तहत। और फिर ये पहुंचते हैं हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता में अपील लेकर के इस इम्प्यूंड जजमेंट के खिलाफ। यहाँ पर जस्टिस बनर्जी अच्छी तरह से पुराना सारा रिकॉर्ड देखते हैं और ये देखते हैं कि अपीलेंट और पीड़िता यानी कि ये जो अपीलेंट है गौतम डे, ये और इनकी जो पत्नी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जितने भी लोग इनको जानते थे, जिनकी भी गवाही की गई है नीचे, वहां पर उन्होंने किसी भी ऐसी किसी घटना का वर्णन नहीं किया गया है जिसमें कि वो ये कहते हो कि माँ और जो भाई है इस पीड़िता का, जो कि कहता है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसी किसी घटना का कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं किया गया है। और इसके अलावा भी माँ और भाई ने जितने भी एलिगेशंस लगाए थे उसका कोई भी ठोस सबूत ये पेश कोर्ट के अंदर नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पर हाईकोर्ट ऑफ कलकत्ता के जस्टिस ने कहा कि ये जो सुसाइड होती है ये सामाजिक दबाव से भी हो सकती है, व्यक्तिगत संवेदनशीलता से भी हो सकती है, कोई इच्छा किसी की पूरी ना की जाए उसके द्वारा भी हो सकती है, अधीरता के द्वारा भी हो सकती है, क्रोध से भी हो सकती है, लालच से भी हो सकती है, ईर्ष्या से भी हो सकती है, अहंकार से भी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी महिला की मृत्यु होती है, आत्महत्या होती है, आत्महत्या वो करती है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ दहेज प्रताड़ना ही हो, क्योंकि इस तरह का कोई भी ठोस सबूत यहां पर नहीं आया है। और यहां जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई कोर्ट के द्वारा वो आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग की बात कही। अदालत ने पति के रिश्तेदारों को बिना ठोस साक्ष्य के पारिवारिक विवादों में फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति को स्वीकार किया और कहा कि इससे कानूनी प्रावधानों का बहुत बुरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। इसी तरह से हाईकोर्ट ऑफ कलकत्ता ने एक और टिप्पणी करते हुए कहा कि धारा 113 के तहत अनुमान, अदालत ने स्पष्ट किया कि आत्महत्या के लिए उत्पीड़न का अनुमान अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको पति और रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता का प्रमाण यानी कि कोई ऐसा एविडेंस ला करके रखने की जरूरत है, सिर्फ क्योंकि डेथ हो गई है, क्योंकि आत्महत्या हो गई है, तो उसको दहेज प्रताड़ना के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। और एक और टिप्पणी की कि धारा 498A, 304B और 306 आईपीसी के तहत अपराध स्थापित करने के लिए क्रूरता या उत्पीड़न के विशिष्ट और जानबूझकर के किए गए कृत्यों की आवश्यकता पर जोर दी, यानी कि यहाँ पर आपको ये जोर देना पड़ेगा विशिष्ट यानी कि स्पेशल ऐसे स्पेसिफिक एविडेंसेस आपको दिखाने पड़ेंगे कि हाँ दहेज प्रताड़ना की वजह से मृत्यु हुई है। इसी तरह से वो जो लांछन लगा रहे हैं कि इस बच्ची की मृत्यु हुई है या इस बच्ची ने जो आत्महत्या की है उसके लिए जानबूझ करके किया जाने वाले जो कुछ कारण हैं उनको भी बताने की जरूरत तो होगी। और सिर्फ हर एक मौत को, हर एक आत्महत्या को
दहेज उत्पीड़न से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन सब बातों को करने के साथ साथ 498A, 304B, 306 की जो दोष सिद्धि कर दी गई थी नीचे ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसको रद्द कर दिया और इस पति की अपील को स्वीकार कर लिया। तो देखा आपने, अक्सर आप लोग घबरा जाया करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अगर निचली कोर्ट ने किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर कर दिया है तो अब आपके पास किसी भी अपील करने का, किसी भी रिवीजन में जाने का या उस ऑर्डर के अगेंस्ट जाने का अब आपके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि आप अपने हाथ पैर छोड़ देते हो, वो या यूं कहें कि आप अपने आप पर विश्वास करना त्याग देते हो। लेकिन यकीन कीजिए, अगर आप कानून को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस धारा की बात की गई है, अगर उस धारा के अंतर्गत शिकायत नहीं की गई है तो आपको अगर दोषी भी मान लिया है तो उसके बावजूद भी आप बहुत प्यार से अपने आप को बचा सकते हैं, जैसा कि गौतम डे ने यहाँ पर किया हाईकोर्ट ऑफ कलकत्ता के सामने। और ये प्यारा सा जजमेंट आया है 10 मई 2024 को। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।